आपका पहला सवाल है, किस देश में सबसे ज्यादा पुलिस है? आपका ऑप्शन है ए भारत, बी पाकिस्तान, सी जर्मनी, डी अमेरिका। आपका सही जवाब होगा डी अमेरिका। आपका दूसरा सवाल है, हवाई जहाज की टायर में कौन सी गैस भरी जाती है? आपका ऑप्शन है ए हाइड्रोजन, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन, डी हीलियम। आपका सही जवाब होगा बी नाइट्रोजन। आपका तीसरा सवाल है, किस पक्षी का अंडा सबसे महंगा होता है? आपका ऑप्शन है ए सांप, बी शुतुरमुर्ग, सी कोयल, डी तोता। आपका सही जवाब होगा बी शुतुरमुर्ग। आपका चौथा सवाल है, सांप किस रंग को देखकर पागल हो जाता है? आपका ऑप्शन है ए लाल, बी पीला, सी नीला, डी काला। आपका सही जवाब होगा सी नीला। आपका पांचवा सवाल है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है? आपका ऑप्शन है ए मुंबई, बी बिहार, सी तमिलनाडु, डी राजस्थान। आपका सही जवाब होगा डी राजस्थान। आप सभी लोग रोजाना ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए। आपका अगला सवाल है छह, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? आपका ऑप्शन है ए कोसी, बी ब्रह्मपुत्र, सी गोमती, डी गोदावरी। आपका सही जवाब होगा सी गोमती। आपका सातवां सवाल है, ऐसा कौन सा फल है जो एक दिन में पक जाता है? आपका ऑप्शन है ए केला, बी अनार, सी टमाटर, डी पपीता। आपका सही जवाब होगा सी टमाटर। आपका आठवां सवाल है, भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? आपका ऑप्शन है ए चीन, बी नेपाल, सी बांग्लादेश, डी पाकिस्तान। आपका सही जवाब होगा सी बांग्लादेश। आपका अगला सवाल है नौ, चार मीनार कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए हैदराबाद में, बी सीकरी में, सी दिल्ली में, डी मुंबई में। आपका सही जवाब होगा ए हैदराबाद में। आपका दसवां सवाल है, काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? आपका ऑप्शन है ए चाय, बी गेहूं, सी कपास, डी चावल। आपका सही जवाब होगा सी कपास। आप सभी लोग रोजाना ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए। आपका अगला सवाल है ग्यारह, ऐसा कौन सा जानवर है जिसे हर वस्तु दोगुनी बड़ी दिखाई देता है? आपका ऑप्शन है ए शेर, बी हाथी, सी बाघ, डी चीता। आपका सही जवाब होगा बी हाथी। आपका अगला सवाल है बारह, खो खो में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं? आपका ऑप्शन है ए ग्यारह खिलाड़ी, बी बारह खिलाड़ी, सी नौ खिलाड़ी, डी सत्रह खिलाड़ी। आपका सही जवाब होगा सी नौ खिलाड़ी। आपका अगला सवाल है तेरह, बकरी का औसत जीवन काल कितना होता है? आपका ऑप्शन है ए सत्रह वर्ष, बी चौदह वर्ष, सी ग्यारह वर्ष, डी अठारह वर्ष।
आपका सही जवाब होगा बी 14 वर्ष। आपका अगला सवाल है 14। क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का सबसे बड़ा राज्य है। आपका ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। आपका सही जवाब होगा सी राजस्थान। आपका अगला सवाल है 15। वह कौन सा जानवर है जिसकी गर्दन सबसे लंबी होती है। आपका ऑप्शन है ए भालू, बी हिरण, सी जिराफ, डी जलहस्ती। आपका सही जवाब होगा सी जिराफ। रोजाना ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए। आपका अगला सवाल है 16। किस राज्य में हीराकुड बांध स्थित है। आपका ऑप्शन है ए पंजाब, बी उड़ीसा, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। आपका सही जवाब होगा बी उड़ीसा। आपका अगला सवाल है 17। पहले मुर्गी वाला आई या अंडा। आपका सही जवाब होगा वैज्ञानिकों का कहना है कि पहले मुर्गी आई फिर उसके बाद में अंडा आया। आपका अगला सवाल है 18। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। आपका ऑप्शन है ए भेड़, बी शेर, सी कंगारू, डी रॉयल बंगाल टाइगर। आपका सही जवाब होगा सी कंगारू। आपका अगला सवाल है 19। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। आपका ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी विरोधी दल का नेता, डी भारत सरकार का मुख्य सचिव। आपका सही जवाब होगा ए राष्ट्रपति। आपका अगला सवाल है 20। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। आपका ऑप्शन है ए दिल्ली में, बी चेन्नई में, सी मुंबई में, डी कोलकाता में। आपका सही जवाब होगा ए दिल्ली में। आपका अगला सवाल है 21। शांति का प्रतीक किस पक्षी को माना जाता है। आपका ऑप्शन है ए हंस को, बी तोता को, सी कबूतर को, डी कोयल को। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कबूतर को। आपका अगला सवाल है 22। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी। आपका ऑप्शन है ए मुंगेर, बी लखनऊ, सी हम्पी, डी कोलकाता। आपका सही जवाब होगा डी कोलकाता। अगला सवाल आपके लिए, आप सभी लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। आपका ऑप्शन है ए 18 मई, बी 22 अप्रैल, सी 21 अप्रैल, डी 28 अप्रैल। आपका सही जवाब क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।